टॉपिक है POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। जब हम पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करते हैं तो हम पेमेंट मोड के ऊपर केयर करते हैं। इसमें दो टाइप का पेमेंट मोड होता है, एक होता है सिंगल मोड जिसे कहते हैं कैश, और दूसरा होता है मल्टी मोड। मल्टी मोड में आप कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक साथ कैश यूज़ कर सकते हैं, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बहुत सी चीज़ें। इसको समझने के लिए हम एक एंट्री करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमें आइटम खरीदना होगा, या तो हम एज अ मैन्युफैक्चरर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आइटम होना चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे उस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और समझेंगे, कैश टेंडर। कैश टेंडर आपने नोटिस किया होगा, जब आप शॉपिंग मॉल से सामान खरीदते हो तो सामान आपने खरीद लिया 600 रुपये का और आपने 2000 का नोट दे दिया, उस केस में होता क्या है, कुछ पैसे आपको मिलता है वापस 600 रुपये का डिडक्ट होकर के, तो कैश टेंडर में वो पैसा शो कराया जाता है। तो उस चीज़ को भी आज यहाँ पे आप केयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझने के लिए हम डायरेक्टली कुछ सामान बना लेते हैं, यहाँ पर खरीद लेते हैं और एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम अकाउंट इन्फो में, और दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा वाउचर टाइप, वाउचर टाइप पे जा करके यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर POS यानी पॉइंट ऑफ सेल, POS इनवॉइस। और इसका जो अंडर ग्रुप होगा, क्योंकि हमें सेल करना है तो सेल के लिए हम सेल का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पर लिखे आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी होंगी उनको हमें ऐस करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे प्रिंटिंग करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिखा है यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सर्विंग, ये करना है यहाँ पर, और लिखा है यहाँ पर यूज़ फॉर POS इनवॉइस यस। तो कुछ चीज़ें हमें टाइटल के रूप में शो करानी होती है, जैसे जिस लिप हम हमें मिलता है तो वहाँ पर लिखा होता है ना थैंक यू, विजिट अगेन, ठीक है, इसको हम यूज़ करना है थैंक यू। एंड सेकेंड लिखते हैं विजिट अगेन, दोबारा मिलिए, ये हमारे स्लिप पे लिखा होता है। और डिक्लेरेशन में हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है तो टाइटल आप लिख दो, यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिख सकते हो या लिख सकते हो POS इनवॉइस, आपके स्लिप के ऊपर दिखेगा ये इनवॉइस। यहाँ पे डिक्लेरेशन देना चाहते हो यस करके यहाँ पे आप लिख दो कि हम कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में लिख सकते हो, या लिख सकते हो इट्स बेस्ट क्वालिटी वगैरह वगैरह, आपको टाइप करना हो तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी। इसको सेव कर लेते हैं, बना लिया यहाँ पर एक वाउचर। सो बैक करना है इसमें, एसी बटन का हम यूज करते हैं बैक के लिए। ओके, बैक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगा कि हम कुछ सामान खरीद लें। सामान खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम सामान खरीद लें, या तो अकाउंट इन्फो में तो हम लेजर बनाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में ये ऑप्शन दिख रहा है, इन्वेंट्री इन्फो में जा करके यहाँ पे लिखा होगा स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन लगा था क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक और काम करना होगा, प्रेस करना होगा F12 करने से क्या होता है, यहाँ पे मैं ऑन करना होगा यूज फॉर स्टैंडर्ड रेट। सो ये ऑप्शंस लिखा होगा यूज फॉर स्टैंडर्ड रेट, उसको हमें यस करना होगा। ये रहा इनेबल स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर देख सकते हैं इसको यस करना होगा। यस करने के बाद हम यहाँ पे आइटम लेना, जैसे हमने ले लिया अमूल सुग्राम, ये आइटम हमारे पास है। और सर जो अंडर ग्रुप है हमने इसको दे दिया मिल्क, उसको हमें सेव करना, और पैकेट में खरीद रहे हैं तो इसको पैकेट कर देंगे, लीटर होगा तो लीटर कर देंगे, फिलहाल हमारे पास पैकेट है। और इसको हम यहाँ पे इसका पूरा नाम दे देंगे पैकेट, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं पेयर्स हमारे पास हो तो ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको नॉट अप्लीकेबल करके छोड़ दें। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है
जो मैं यस किया था F12 करके, वो यहाँ पर शो कर रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट, सो इसको यस करना है। और यहाँ पे अप्लीकेबल फॉर्म डेट दिया हुआ है, एक होता है खरीदा गया रेट और दूसरा होता है जो हमें बेचना है। तो अगर 500 ग्राम का अगर आप अमूल खरीद रहे हो, तो वो आपको खरीदा गया यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, परचेस कॉस्ट, और दूसरा यहाँ पर लिखा होगा सेलिंग कॉस्ट, इसको मैं केयर करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेट इसका हमने मान लो ये आपने 16 रुपये का खरीदा पर पीसेस यानी पर पैकेट, और इसको हमें बेचना कितना है, कुछ बेनिफिट लग करके हमें बेचना है 120 रुपये पर पैकेट, इसको हम सेव कर लेते हैं। यानी ये परचेस रेट एंड ये सेल रेट, इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें हमें ख्याल रखना होगा, ये जो क्वांटिटी लिखा ओपनिंग बैलेंस, हमने पहले बताया कि या तो हमें आइटम खरीद के रखना होगा, या तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर हो, अगर एज अ मैन्युफैक्चरर हो तो आप यहाँ पर क्वांटिटी दे सकते हो कि आपके पास इतना सामान है। तो हम यहाँ दे देते हैं कि मेरे पास 1000 पैकेट है, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम बैक जाएंगे ESC बटन से, और इसके बाद क्या करना है, हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और प्रेस करना है F8। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, हालांकि F8 से सेल्स वाउचर ओपन होता है, लेकिन हमने एक वाउचर बनाया था और सेलेक्ट टाइप में सेलेक्ट किया था हमने सेल्स, और नाम लिखा था POS इनवाइस, तो POS इनवाइस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी नेम पूछ रहा है, जिनको हम सामान बेचते हैं और जिन, तो उनका नाम लिखेंगे, जैसे किसी को सामान बेच रहे हैं तो उनका नाम लिख लेते हैं। अगर कस्टमर है तो कस्टमर का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, कस्टमर का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास लेज़र है ऑलरेडी तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर नहीं है तो हमें क्या करना होता है Alt के साथ C, और हम यहाँ लेज़र बना लेते हैं। मतलब कोई बंदा आया ख़रीदने के लिए सामान, तो हम उनका नाम लिखेंगे, हम लिख दिया रजत, कोई बंदा है वो सामान खरीदने के लिए आ रहा, तो वो तो सामान खरीदेगा जो सो हम बेचेंगे यहाँ पे, सो सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो सेल बनाया था ऑलरेडी मेरे पास सेल अकाउंट पड़ा था, अगर नहीं होगा तो आप सेल अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अमूल 500 ग्राम में 1000 पैकेट शो कर रहा है, इसमें से हमें बेचना है। देखिए बाई डिफॉल्ट आ गया यहाँ पर कि एक पीस जो बेचना है, एक पैकेट का रेट ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास कि एक पैकेट का रेट 20 रुपये। अगर हम यहाँ पर 20 पैकेट भी कर देना तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा ये कि 20 पैकेट का 400 रुपीस, ठीक है। अगर हम और भी यहाँ बढ़ा दें, जैसे हमने कर दिया 20 पैकेट की जगह हमने 100 पीस कर लिया, तो ये हमारे पास 2000 हो गया। और कम करना चाहें तो कुछ कम कर देख लेते हैं, 90 पीस कितना, ओके 90 पीस बेच रहे हैं, 1800 रुपया टोटल। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कैश, पेमेंट कैसे करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है सिंगल मोड, अगर हमारे पास कैश है तो हम कैश का काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2000 का नोट था, आपने 2000 दे दिया, ये देखो ऑप्शन है कैश टेंडर, जो हम पैसा देते हैं, जो नहीं कस्टमर पैसा देता है शॉपकीपर को, जितने का नोट देगा वो नोट यहाँ पे हम लिखते हैं, 2000 कैश टेंडर मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल बैलेंस है इसका। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस कितना वापस करना है, और हम यहाँ लिख सकते हैं बीइंग सोल्ड आइटम उनके बाय कैश, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हो, इसको प्रिंट करना चाहते हो, यस करो, और अल्ट के साथ जेड करके इसको जूम करके देख सकते हो आप। यहाँ पर वियान इंडस्ट्री का नाम है और इसका एड्रेस बना हुआ था ऑलरेडी, और ये देख सकते हो ये जो हमने टाइटल दिया था POS इनवॉइस लिखा हुआ यहाँ पर है, बिल नंबर 1, डेट ये रहा, और जिसको हमने बेचा वो रजत है। डिस्क्रिप्शन में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अमूल दूध है, 90 पैकेट बेचा 20 रुपये के हिसाब से 1800। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 1800 रुपये था रेट, तो कैश कस्टमर ने दिया 2000 रुपये यानी रजत ने दिया, बचा 200 रुपये, इसको 200 रुपये में रिफंड करना होगा, तो वापस देना होगा हमें।
यहाँ देख सकते हो लिखा है टोटल पे, रेजर ने टोटल हमें 1800 पे किया। अभी आप देखो जो चीज़ हमने डिक्लेरेशन दिया था, अभी डिक्लेयर इनवाइस हो वो लिख सकते हैं, और अपने स्लिप पर ये भी लिख सकते हैं थैंक यू विजिट अगेन, तो ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। चलिए ये तो था सिंगल मोड पेमेंट सिस्टम, अब हम देखेंगे मल्टी मोड पेमेंट सिस्टम। ओके तो एक बार फिर से एक नया पार्टी क्रिएट करते हैं, प्रेस करेंगे हम अल्ट के साथ सी, और हम टाइप कर लेते हैं कोई बंदे का नाम कुमार, और इसका नाम यहाँ पर लेते हैं संजीव डॉक्टर, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट, और हमारे पास बचा हुआ 910 पैकेट, सो 910 पैकेट के लिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। मान लो ये पीस हम बेच रहे हैं यहाँ पर 200 पैकेट बेच देते हैं, या 200 पैकेट नहीं, ठीक है 200 पैकेट बेचते हैं, तो 200 पैकेट के हिसाब से हमें 4000 देना पड़ेगा। सो अब हम यहाँ पर आते हैं, हम मोड चेंज कर देखेंगे कंट्रोल के साथ पी, कंट्रोल के साथ पी हम प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है, देख सकते हैं ये मल्टी मोड सिस्टम चेंज होता है, और कंट्रोल पी प्रेस करो तो सिंगल मोड पेमेंट सिस्टम ऐड होता है, तो हमें यूज करना है कंट्रोल पी। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है गिफ्ट वाउचर आपके पास है तो उससे पेमेंट कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप जिस बैंक है वो सिलेक्ट कर लो, और क्रेडिट कार्ड से आपको कितना पेमेंट करना है वो डिसाइड कर लो, यानी मल्टी मोड कहते हैं इसको। तो मान लो यहाँ पे हमें 3000 रुपये इसके साथ पेमेंट करना है, और कार्ड नंबर हमारा 16 डिजिट का होगा, तो हम लिख लेते हैं ₹16 का डिजिट दे दिया अभी यहाँ पे चेक के माध्यम से कुछ पेमेंट करना है तो आप चेक का मतलब ही बना सकते हैं बाकी आप कैश से पेमेंट करना चाहो एक हज़ार रुपये तो कर सकते हो यहाँ मना नहीं है तो आप कैश ले लो और कैश टेंडर की बात हो रही है आपने मान लो 2000 का नोट दे दिया यहाँ पर तो आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएगा ठीक है या अगर नहीं है आपके पास 1000 रुपये था कैश तो आप 1000 रुपये डायरेक्ट दे दो और इसको सेव कर लो। हमने 2000 का नोट दिया और बदले में हमें 1000 रुपये वापस मिल जाएगा इसको हम सेव कर लेते हैं और इसका लुक देख लेते हैं एस करके अल्ट के साथ जेड जूम करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मल्टी मोड सिस्टम हमारे पास कि हमें पेमेंट करना था 4000 रुपये तो हमने क्या किया कार्ड से पेमेंट कर दिया 3000, यह कि कार्ड का नंबर यहाँ पे हाइड हो जाता है, और बाकी हमने कैश से पेमेंट कर दिया 1000 रुपये ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, और टोटल पे किया 400 रुपये।